नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ नीरज। तो चलिए, दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो गया है हल्द्वानी की मुख्य खबरों का। तो आइए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में माहवारी में स्वच्छता और अधिकार विषय पर आयोजित कार्यक्रम में महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने हिस्सा लिया। उन्होंने 3000 बालिकाओं को सैनिटरी पैड्स वितरित किए। उन्होंने कहा कि माहवारी शर्म ग्लानी का विषय नहीं है, इस पर खुलकर बात करनी चाहिए। गर्व से दुकान पर जाकर सैनिटरी पैड्स मांगे, ये प्रकृति की ओर से नारियों को दी गई शक्ति है। हल्द्वानी में गौला नदी की चपेट में आने से इलेक्ट्रिक लाइन क्षतिग्रस्त हो गई और ट्रैक को नुकसान हुआ। इसके चलते प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ट्रेनों का संचालन अग्रिम आदेश तक बंद कर दिया गया है। 1 और 2 से संचालन जारी रहेगा। जिला प्रशासन से SDM मनीष कुमार सिंह ने मौके का निरीक्षण किया है। हल्द्वानी के नवाबी रोड में मॉर्निंग वॉक पर घर से निकले बुजुर्ग संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। काफी खोजबीन के बाद भी जब बुजुर्ग का कुछ पता नहीं चला तो परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका को जताते हुए पुलिस से मदद की गुहार लगाई है और बुजुर्ग की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लापता बुजुर्ग की खोजबीन शुरू कर दी है। हल्द्वानी शहर में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश होने के बाद आज एक बार फिर मौसम साफ दिखाई दिया। सुबह से ही धूप खिले होने की वजह से जिन जगहों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी वो थोड़ी राहत मिली। इसके साथ ही किसानों की फसलों पर भी बारिश का बुरा असर पड़ने लगा था, लेकिन अब मौसम साफ होने से किसानों ने भी राहत की सांस ली है। हीरानगर निवासी एक महिला ने कथित रिकवरी एजेंट पर धमकाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक वार्ड नंबर 18 निवासी पूजा देवी की ओर से दी गई तहरीर में कहा गया है कि दोपहर को उनके घर में एक व्यक्ति आया था जिसने खुद को एक फाइनेंस कंपनी का रिकवरी एजेंट बताया। कुछ देर बाद आरोपी ने किस्त देने की बात कहते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इससे उनके परिवार में भय का माहौल बन गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कथित फाइनेंस कंपनी के एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो हल्द्वानी की मुख्य खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।